अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है कि इस वीडियो के अंदर हम मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का तذکرہ करेंगे कि बजट 2024 पंजाब असम्बली के अंदर पेश हुआ जो पंजाब के वजीर खजाना जनाब मियां मुज्तबा शुजाउर्रहमान साहब ने पेश किया। इसके अंदर यह फैसला हुआ है कि ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा होगा, जबकि ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। इसी तरह जो पेंशनर हजरात हैं उनकी पेंशन में 15% इजाफे का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ जो कम से कम तनख्वाह है उसको 32,000 से बढ़ा के 37,000 रुपये करने की तजवीज़ है। तो ये पंजाब असम्बली के अंदर जो बजट स्पीच थी उसके अंदर ये फैसले हुए हैं, और जैसे ही पंजाब असेंबली इस बजट की मंजूरी देगी तो उसके बाद महकमा खजाना नोटिफिकेशन जारी करेगा, और जो मुतालका डिस्ट्रिक्ट काउंट ऑफिस या अकाउंटेंट जनरल पंजाब का जो ऑफिस है वो अज खुद मुलाजमीन की तनख्वाहों में ये इजाफा शामिल कर देगा, और इस इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उन तक पहुंचती रहें। थैंक्स।